सहारा मरुस्थल इस समय चर्चा में है क्योंकि उसका दायरा 100 साल में 9 लाख वर्ग किलोमीटर बढ़ चुका है। सहारा मरुस्थल के बढ़ने का कारण, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, सहारा मरुस्थल बना कैसे, इसकी लोकेशन कहाँ है, कौन कौन से पर्वत वहां पर हैं और वहां बारिश क्यों नहीं होती है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल ये क्यों है, चर्चा में क्यों आया, क्या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ रही है, क्या इसके कारण है, आज इन सभी चीजों पर हम आपका सटीक विश्लेषण के साथ मौजूद हैं। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। अगर आप अफ्रीका के नक्शे को देखें, इसके उत्तरी प्रांत में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, वेस्टर्न सहारा सारे देशों में, चाड, मॉरिटोनिया सारे देशों में, नाइजर, इनका विस्तृत क्षेत्रफल है। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल का दायरा 9 लाख वर्ग किलोमीटर और बढ़ गया पिछले 100 साल। क्या कारण हो सकता है और मरुस्थल बनते कैसे हैं? आपको बता दें, सहारा मरुस्थल पर्टिकुलर बनने के 2-3 कारण है। एक कारण ये होता है हवाओं की दिशा, यानी कि किसी भी तटीय प्रदेश के किनारे हवा अगर उल्टी दिशा से आ रही है, मतलब कि आप समझ लें कि जहां पर हम बैठे हैं, अगर यहां जमीन की ओर से ही कोई हवा आएगी तो बारिश यहां नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर समुद्र से होकर के कोई हवा आएगी तो यहां बारिश हो पाएगा। अब देखिए, सहारा की जो लोकेशन है वहां पर हवाओं की दिशा उल्टी है, मतलब स्थल से स्थल की ओर हवाएं आती हैं। यही कारण है कि बारिश होने की संभावना वहां छीन हो जाती है, कम हो जाती है, नहीं होती है। दूसरा कि सहारा पश्चिमी भाग में है, तो सहारा के किनारे उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट विंड बहती है, इसलिए डेजर्ट वेस्टर्न साइड में सहारा में शुरू हो गया था बनना। और वेस्टर्न साइड में वहां पर कुछ माउंटेन है, जैसे एटलस माउंटेन है, उसकी लोकेशन कुछ ऐसी है कि कोई हवाएं आती भी हैं तो हवा माउंटेन के पैरेलल चली जाती है, मतलब आप समझे कि जैसे कोई माउंटेन है, हवा अगर ऐसे आएगी तो यहां पर इसके किनारे किनारे ऊपर जाएगी और हवा ठंडी होकर बारिश करेगी, लेकिन ये हवा अगर इस डायरेक्शन में आ रही है, देखिए इस माउंटेन के पैरेलल आगे चली गई और ये चीजें सहारा में हो रही है। तीसरा कि विश्व के अधिकांश डेजर्ट जो है, मरुस्थल जो है, वो 20 से 30 डिग्री अक्षांशों पर होते हैं, 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड पर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से हवा नीचे उतरती है, इसलिए किसी भी हवा को ऊपर जाने के लिए प्रमोट नहीं करती है वो, ताकि वो ऊपर जाकर के ठंडा करके बारिश करे। आप वर्ल्ड के सारे डेजर्ट को देख लीजिए, अधिकांश डेजर्ट 20 से 30 डिग्री में ही होते हैं। तो सहारा डेजर्ट जो है, इसका एक्सटेंशन, एक तो विंड बहुत तेज, वहां इजिप्ट में जाएंगे तो खमसिन नाम की विंड होती है, सिरक्को नाम का विंड होता है, गिबली और चिहली नाम की विंड होती है, कि इतनी तेज गति से बहती है कि एक वर्ष में लगभग आप समझे कि 3-4 किलोमीटर इसके बालू जो है वो आगे की ओर बढ़ते रहते हैं और इसलिए इसका एक्सटेंशन होता जाता है। ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, पृथ्वी की औसत तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ग्लोबल वार्मिंग होने से धीरे धीरे टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ रहा है। टेम्परेचर जितना पृथ्वी में बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा एक्सटेंशन होता जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से बारिश की संभावना और कम हो जाएगी। हालांकि कुछ देशों में ऐसे प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो 2-3-4 साल में 20-30 फीट की हाइट के हो जाते हैं, और जब विंड की फ्लो होती है तो बालू को वो रोकते हैं, मतलब उतना ऊपर से क्रॉस करने नहीं देते। ऐसी अभी अमेरिका में शुरुआत हुई है, भारत में भी कोशिशें जारी है, सहारा डेजर्ट पर भी उम्मीद है कि ये चीजें जरूर होगी। हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहेंगे, न्यूज में हम आपको सटीक विश्लेषण बताएंगे, चर्चा में जो भी चीजें होंगी एग्जाम्स के पर्पज से, जो आपको जानने के लिए जरूरी है। हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। नमस्कार।